भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब कांग्रेस सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही के विरोध में गुरुवार शाम को रोष प्रदर्शन कर मिसाल जुलूस निकाला। भाजपा व मोर्चा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने पंजाब सरकार के इस कृत्य की घोर निंदा की और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू लगाने की मांग की। इस आयोजन में जयप्रकाश सरावगी, मयंक वशिष्ठ, प्रेम राठौड़, लालचंद शर्मा, किशन स्वामी, योगेश स्वामी, सूरज गोसाई सहित भारी संख्या में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश भर के अंदर जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है पंजाब में फिरोजपुर की यात्रा के दौरान, तो उसके रोष स्वरूप युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और पंजाब की कांग्रेस सरकार को ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आगे से किसी प्रकार की लापरवाही आदरणीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या मंत्रीगण के साथ कोई चूक बर्दाश्त नहीं करेगा और साथ ही यह पंजाब की सरकार से ये नैतिक जिम्मेदारी के रूप में हम ये मांग करते हैं कि उन्हें जो उनके माध्यम से जो चूक हुई है उन्हें उसको देखते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।